अभी हम रायपुर के अंबेडकर मूर्ति के सामने खड़े हैं जो घड़ी चौक के नज़दीक में है, और आज यहाँ पे कांग्रेस का मौन व्रत है। और आप देख सकते हैं पीछे माला भी जपा जा रहा है। मुझे लगता है कि गांधी जी को याद किया जा रहा है इस माले में, और राम भगवान को भी हो सकता है, क्योंकि अभी मौन व्रत है इसलिए हम बाद में पूछेंगे। तो ये माला भी जपा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कांग्रेसी पूरे बैठे हैं, उनकी दो मांगे हैं। अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी वहां से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और लेकिन एक चीज़ बोलने की बात है कि मैं लगातार दो तीन धरने देख रहा हूँ, कांग्रेस के लोग की संख्या धरने में कुछ कम नज़र आ रही है, ये भी सच है। पीछे आप देख सकते हैं विकास उपाध्याय विधायक हैं, और उनका कपड़ा भी आज एक पंडितों की तरीके से धोती लाल रंग की पहने हुए हैं, और ये आके मौन व्रत में बैठेंगे। आप दिखाइए इनकी धोती, दिखाइए, लाल धोती है और आज एकदम पंडित जी के वेश में है, और मौन व्रत भी धारण करेंगे ऐसा लग रहा है। ये विकास उपाध्याय जी, विकास जी कुछ बोलेंगे व्रत के पहले? और ये गाड़ी से उतरने के बाद, हालांकि उसके पहले वो फोन में बात कर रहे थे गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी से उतरने के बाद वो मौन व्रत में आ गए हैं। और देखना है, ये पूरे देश में धरना चल रहा है, ये धरना कहाँ तक जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी नज़दीक है, अभी किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख दिया है, तो उसका भी छत्तीसगढ़ से जो 50 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया है उस पर भी कुछ विवाद आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के 700 आत्महत्या करने वाले किसानों को क्यों नहीं पैसा मिला, उनको भी हर्जाना क्यों नहीं मिला। तो बहुत सारी बातें इस धरने के साथ अगले यूपी चुनाव तक चलेंगी, और हमको देखना है कि ये धरना और ऐसी घटनाएँ जो हो रही हैं उस पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका संबंध अब छत्तीसगढ़ से और भारत की लगभग पूरे देश में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है और चार राज्यों का जो आने वाला चुनाव है उसको कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस रोड पे प्रदर्शन कर रही है, धरने कर रही है, मौन व्रत कर रही है और पुतले जला रही है। तो हम देखते हैं कि इन धरनों का असर, इन आंदोलनों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। जोकर न्यूज से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।